हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्री फायर का बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग। अभी अभी थोड़ा बहुत अपडेट है, आप लोगों को पता होगा छोटा मोटा गेम पे अपडेट है। इस अपडेट के बाद आप लोगों को कौन सा सेंसिटिविटी रखना चाहिए जिससे आप लोगों का जो गेम प्ले है ना काफी ज्यादा इंप्रूव हो, आप लोगों का फास्ट ग्लू वॉल लगे, आप लोगों का वन टैप हेड शॉट बहुत ही आसानी से लगे। सो गाइस, आप लोगों वाला वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो सेंसिटिविटी सेटिंग बताऊंगा ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ही मिस मत करना। अगर ये वीडियो देख लेते हो ना, अगर ये सेंसिटिविटी रख ले तो आप लोगों का काफी हद तक आप लोगों का गेम प्ले अच्छा हो जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे अगर आप लोगों के पास डीजे आलोकन डायमंड नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, जाओ फॉलो करो, डीएम करो, मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, अगर मैं आ चुका हूं सेंसिटिविटी बॉक्स पर, अगर मैं एक एक करके सारे सेंसिटिविटी आप लोगों को बताता हूं। बट उससे आगे अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस हाई एंड डिवाइस कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों डिवाइस के लिए सेंसिटिविटी है, तो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्नाइपर स्कोप के बारे में। तो स्नाइपर स्कोप का सेंसिटिविटी कितना रखना चाहिए, तो सिंपली इसको आप लोग 18 पे सेट कर दो। अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस हाई एंड डिवाइस कोई फर्क नहीं पड़ता, 18 पे सेट कर दो। मैं पर्सनली इसको 18 पे रखता हूं, चाहो तो इसको आप लोग 20 कर सकते हो, बट मेरा पर्सनल रिकमेंड रहेगा आप लोग इसको 18 करो। मैं पर्सनली इसको 18 रखता हूं, बट अगर आप लोग चाहो तो इसको 20 भी रख सकते हो, बट 20 से ज्यादा मत करना। 20 से ज्यादा करोगे तो आप लोगों का स्नाइपर रिकॉइल खा जाएगा, तो 20 रख सकते हो, नहीं तो 18 रख सकते हो। मैं पर्सनली 18 रखता हूं। बात करते हैं 4x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। 4x स्कोप सेंसिटिविटी कितना रखना चाहिए, तो मैं सिंपली आप लोगों को बोलूंगा 4x स्कोप सेंसिटिविटी को आप लोग 60 पे सेट कर दो। आप लोगों का फोन लैग करता नहीं लैग करता, हाई एंड डिवाइस है लो एंड डिवाइस है कोई फर्क नहीं पड़ता, 4x सेंसिटिविटी को सिंपली आप लोग 60 पे सेट कर देना। आई होप से मेरी बात को समझ गया होगे। अगर बात करते हैं 2x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में, 2x स्कोप सेंसिटिविटी को कितना रखना चाहिए, तो सिंपली 2x स्कोप सेंसिटिविटी को आप लोग 40 पे सेट कर दो। ध्यान से सुनो, 40 पे सेट कर दो। एज यू कैन सी मैंने इसको 40 पे सेट कर दिया। इसमें भी सेम है, अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस हाई एंड डिवाइस कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 40 में सेट कर दो। अगर मैं और एक बार रिपीट कर देता हूं, 2x को आप लोगों को 40 में सेट करना है, आप लोगों को 4x को 60 में सेट करना है, स्नैप स्कोप को 18 पे सेट करना है। ठीक है, अब यार बात करते हैं रेड डॉट के बारे में। रेड डॉट क्या पर काम आता है पता है, जैसे कि मान लो आप UMP चला रहे हो, UMP ओनली रेड नंबर वाला हेडशॉट मारना चाहते हो, तो वहाँ पर रेड डॉट काफी ज्यादा काम आता है। तो रेड डॉट को कितना रखना चाहिए, तो सिंपली आप लोग रेड डॉट सेंसिटिविटी को 70 पे सेट कर दो। ध्यान से सुनना, 70 पे सेट कर दो, लो एंड डिवाइस हाई एंड डिवाइस कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग रेड डॉट को सिंपली 70 पे सेट कर दो। ये वन ऑफ द बेस्ट सेंसिटिविटी है रेड डॉट के लिए। अगर बात करते हैं जनरल के बारे में, सो गाइस देखो, जनरल अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस है, ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस है तो गाइस आप लोगों को जनरल को सिंपली 70 पे रखना है। अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस है, ध्यान से सुनो, लो एंड है तो 70 पे सेट करना है। अगर आप लोगों के पास हाई एंड डिवाइस, जो फोन लैग बैग बिल्कुल ही नहीं करता, तो इसको आप लोग सिंपली 90 पे सेट कर दो। ठीक है, अगर आप लोगों का फोन लैग नहीं करता तो इसको 90 पे सेट करो, अगर आप लोगों का फोन लैग करता है लो एंड डिवाइस है तो इसको 70 पे सेट कर दो। ठीक है, आई होप सो मेरी बात को समझ गए होगे। मेरा फोन लैग नहीं करता है, दैट्स व्हाई मैं इसको 90 पे सेट कर दूंगा। अगर आप लोगों का फोन लैग करता है तो इसको 70 पे सेट कर देना। सो गाइस, अभी आप लोगों के सामने वन ऑफ द बेस्ट सेंसिटिविटी है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट सेंसिटिविटी है। अगर ये सेंसिटिविटी लगा लो ना, तो गाइस आप लोगों का गेम प्ले काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अभी जाके सेंसिटिविटी लगाओ, पूरा सेम टू सेम कॉपी करो अपने डिवाइस के हिसाब से, एंड आप लोग एक दो घंटे के अंदर समझ जाओगे सेंसिटिविटी में कितना पावर है। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को स्नाइपर को 18 पे करना है, 4S को 60 पे करना है, 2S को 40 में करना है, रेड डॉट को 70 करना है, एंड अगर आप लोग पास लो एंड डिवाइस है तो जनरल को आप लोगों को 70 पे सेट कर देना, अगर हाई एंड है तो 90 पे सेट कर देना, बस यही है। सो गाइस, आई होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद है, पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देना, एंड मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप। कौन सा वीडियो अगला टॉपिक पे बनाऊं वो भी बता देना। तो गुड बाय।